बोल रही हूँ। हाँ, 4 बजे तक पहुंच जाऊंगी। नहीं, अभी बस आई नहीं है। अब अगली बस शाम को ही मिलेगी, तब तक इंतजार कीजिए। हमको तो 4 बजे तक बस यहाँ पहुँचना था। तुम लोग बसिया होते हुए जाओगे क्या? अरे एक लेडीज पैसेंजर है, इसका बस छूट गया है, रास्ता में उतार देना। ए भाई, हम लोगों को भी एडजस्ट कर लीजिए। इस लड़की को जरा इसके चाचा के पास बैठा दो। अरे बाप की गाड़ी है, वो कम चला रही है जब से आई है। नीचे उतर गाड़ी से। चल आजा नीचे। ये कहीं ना जा रही। चल आजा नीचे। ना खाई बिना समझ को ना दें जनानियों को। क्या हो गया, रो क्यों रही? गुड मॉर्निंग, बड़ी जल्दी चल गई तेरे दिमाग की बत्ती। हाँ? चल खिसक ले यहाँ से, नहीं तो आते हैं निकाल दूंगा। तो चल चल चल। जो तू अभी खिसक लिया ना, तो लड़की ना ले जाइयो घंटा पर बाद, और जो तू ना गया तो इसकी मुंडी मिलेगी यहाँ पे। चल अब तू जाने का क्या लेगी। ले इसका सिम निकाल, तोड़ फेंक और चल।
पॉकेट मार रखती है, ग्रेनेड रखती है साली। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब से चला रही हूँ ये ट्रेन। तू आगे बढ़ के तो दिखा। भाई छोरी भाग गई। भागन दे छोरी को, आज का मोहन भोग तो ये है। भाई भाई भाई, लगता है छोरी पुलिस को बुला के ला रही है। भाई भाई, मुझे चक्कर भी आ रहा है। भाई निकलो यहाँ से, निकलो। जच्चा बच्चा दोनों में से कोई नहीं बचेगा। अरे माई कहाँ रह गई थी, 4 बजे से सब इंतजार कर रहे हैं। चलो आओ, एक नया प्लेट मंगा दीजिए नाल काटने के लिए। मैं लाता हूँ। जाइए, एक साफ कपड़ा और गर्म पानी लाइए जल्दी से। अभी भिजवाती हूँ। सुना है आपके हाथ से बेटा ही होता है, अगर बेटी हूँ तो बचा लीजिए उसे। बाहर पूरी तैयारी हो चुकी है, अगर बेटी हो गई तो गला घोट देंगे उसका। आज मैंने बचा भी लिया तुम्हारी बच्ची को तो क्या फायदा, कल खेतों में उसकी इज्जत खराब करने वाले उसको पेड़ पे लटका देंगे। स्कूल के रास्ते में तुम्हारी बेटी का आधा सरा हुआ लाश मिलेगा। अगर इन सबके बाद जिंदा बच भी गई तो ये कमीने थूक देंगे तुम्हारी बच्ची पर। अब इस बच्ची को बचाने का एक ही तरीका है, कोई बेटा जन्मे ही ना। आज तक हम बेटा जन्माते आए थे, पाप हो गया हमसे। अब इस गांव में हम बेटों की नाल नहीं नस काटेंगे। अगर तुम्हारी बेटी हुई तो तुम्हारे घर वाले उसको मार देंगे, लेकिन अगर बेटा हुआ तो मैं उसे मार दूंगी।
गांव में सब काना काना बुलाते, क्योंकि मुझे एक आंख से नहीं दिखता ना, इसलिए। जन्म से ही नहीं दिखता है। मैं 2-3 दिन का था तब मेरी माँ मुझे आम के पेड़ के नीचे रख के चली गई। आम के पेड़ में लाल वाली चींटियां थी, मेरी आंख में भी घुस गई थी और मेरी इस वाली आंख को खा गई। तो सुमित्रा का बेटा है। आप जानती है मेरी माँ को? नहीं तो क्या, यही तेजपुर में रहती है तुम्हारी माँ, तो बेटे हैं उसके, मेरे ही हाथों से हुए हैं। आप किसी और सुमित्रा की बात कर रहे हो? अगर मेरी माँ पास के गांव में रहती तो मुझसे मिलने नहीं आती कभी। मैं तेरी ही माँ की बात कर रही हूँ, चल मिलाती हूँ, चलेगा? हाँ। नहीं, रहने दो। अगर सचमुच वो मेरी माँ है तो उसे मेरी आँख देख के दुख होगा। मुझे तो लगता है वो अपनी आँख निकाल के ही मेरी आँख में चिपका देगी, तो फिर वो एक आँख से अपने घर का काम कैसे करेगी? कुंदन, तेरी माँ तुझे छोड़ के चली गई तो तू क्या पापा के साथ रहता है? जब माँ चली गई तो पापा भी कलकत्ता चले गए। उसके बाद दादी मुझे बहुत मारती थी, इसलिए मामा मुझे वहाँ से यहाँ लेके आ गए। मुन्ना मामा, जहाँ आप गई थी वो हमारे पड़ोसी है, लेकिन मुझे बहुत प्यार करते हैं। तीसरी तक पढ़ा हूँ, उसके बाद स्कूल छूट गया। मामी कहती है पढ़ने लिखने का कोई फायदा ही नहीं। एक बात बताओ कुंदन, तुम्हारी माँ तुम्हें फेंक कर चली गई, तुम्हारी दादी तुमको मारती थी और तुम्हारी मामी ने तुम्हारा स्कूल छुड़वा दिया, तुम्हें औरतों पर गुस्सा नहीं आता है? मैं इतना नहीं सोचता। वैसे आज आपने भी मुझे मारा, लेकिन आप तो अच्छी है ना। चल गई। Thank you.
पे चिपका दे। इतना